Good evening. I welcome you all to today's special session. I am Shelly, your educator on CSI NET Life Science category. और आज के इस मोटिवेशनल सेशन में या आप बोल सकते हैं गाइडेंस के सेशन में हम बात करेंगे कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मन में ये डाउट रहता है कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, ऐसा क्या करें कि हमें पढ़ने में मन लगे और हम उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकें। सो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चेक कर लूँ कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ या नहीं। यस, मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी जो कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है एंड सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स लोग करते थे, जो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जो लोग अचीवर्स रहे हैं। तो इन एक्सपीरियंसेस से जो मैं सोचती हूँ बेस्ट वे हो सकता है, कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी टाइम टेबल का, जिससे कि हो सकता है कि आपको एक पाथ मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके कि हाँ इस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए और ये मेथड फॉलो करना चाहिए कि हम उस टाइम टेबल को फॉलो करें। क्योंकि बेटा टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, टाइम टेबल को फॉलो करना इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिंग। क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करने बनाने के बाद में 99% लोग उसको बना के चिपका के छोड़ देते हैं, उसे फिर बस देखने के काम आता है, उसे फॉलो नहीं किया जाता है। अगर फॉलो करना है उसको तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए जो आपके बॉडी और आपके जो डे में दिन भर आप क्या करते हैं इन दोनों को मैच करता हुआ। क्योंकि मैं जो सोच के टाइम टेबल बनाऊंगी वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मैं ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि वो आपके बॉडी, आपका वे ऑफ स्टडिंग और आपका दिन भर का टाइम टेबल क्या है, खुद का एक होता है ना एक दिनचर्या जिसको कहते हैं कि आप दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं, इसके बेसिस पे एक टाइम टेबल बनाइए जो कि आपको सूट करे एंड जो सूट करेगा वही आप फॉलो कर पाएंगे। सो ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि हम उसे फॉलो कर सकें, उससे बेनिफिट्स ले सकें एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू स्टिक टू दैट टाइम टेबल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ। एक होते हैं अर्ली राइजर्स जो कि सुबह जल्दी उठते हैं एंड एक होते हैं नाइट आउल्स। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, मैं बिलीव करते हैं 4 बजे के आसपास में जो उठ जाते हैं 4 AM एंड नाइट आउल्स जो कि 3 बजे सोते ही हैं। दे गो टू स्लीप एट 3 PM, दे वेक अप एट 4 PM, तो 4 AM। तो ये इस तरह के दो स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं। हर स्टूडेंट का एक टाइम टेबल नहीं होता है, हर किसी को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता है कि हर किसी को रात को देर तक जागना अच्छा नहीं लगता, तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, अर्ली राइजर्स। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हाँ ऐसा बोलते हैं लोग कि सुबह जल्दी उठने से अच्छे से पढ़ पाते हैं ये वो, लेकिन पर्सनली मेरा ये कहना है कि अगर आपकी बॉडी अगर देर तक रात में सोने के लिए सूट कर रही है आपको, या आप रात को देर तक जागने से आपको एनर्जी मिलती है पढ़ाई करने के लिए और सुबह लेट से उठने से आपका टाइम टेबल ठीक ही रहता है, आप किस में फिट हो पाते हैं, आप किस चीज़ के लिए कम्फर्टेबल हैं, आपको वो करना है। हाँ अगर आपको शिफ्ट होना है अर्ली राइजर्स में, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये आपके डिपेंड करेगा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको अर्ली राइजर बन के अर्ली राइजर वाला टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप देर तक पढ़ने वाले बन सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर, दोनों एक ही जैसा है। हाँ ये आप मत सोचिए कि अगर अर्ली राइजर होंगे तो ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप किस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं आप वो चीज़ को फॉलो कीजिए। तो हम दो तरह का बना लेते हैं नाइट आउट्स, ठीक है। चलिए अर्ली राइजर्स 4 AM, आप अगर 4 बजे या सुबह जब भी उठते हैं, मैं 4 AM इसे 5 AM का टाइम टेबल वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आप कब उठते हैं, आप कब से बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। तो आप लाइक सपोज 4 AM पे उठे तो 4 से 4:30 आपको फ्रेशन अप होने के लिए टाइम चाहिए, फ्रेशन अप होने के लिए रख लीजिए। उठने के बाद में फ्रेश होने के बाद कैसे बैठेंगे क्या करेंगे मैं क्वेश्चन पहले देख लेती हूँ। सौम्यरंजन, हेलो बेटा, CSIR का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? सौम्यरंजन बेटा मैं अभी तो YouTube पे 7 PM पे क्लास ले ही रही हूँ एंड मैंने वहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ DNA इतना कंप्लीट कर दिया है, DNA रिपेयर ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो YouTube के क्लासेस के हिसाब से मेरा आपका एग्ज़ाम आने से पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा YouTube पे
ऐप पे मैं रैंडमली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे एज सच कोई एक ऐसा टॉपिक ऐसा चैप्टर फोकस पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से पढ़ा रही हूँ। नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, सारे एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे देन नया बैच अगर उस तरह से स्टार्ट होगा तो मैं आपका आप पढ़ा पाऊंगी दूसरे एडुकेटर्स के साथ में। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लस और आइकॉनिक पे अभी बैचेस चल रहे हैं, आपको अगर दिसंबर में एग्जाम है तो दिसंबर को फोकस करके बैचेस स्टार्ट है, आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन के पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे और ऐप पे अभी क्लासेस चल रहे हैं सारे, आप हर जगह से पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सो अर्ली राइजर्स अगर 4 AM पे उठे, आप 5 AM पे उठे उस हिसाब से आप अपने प्लान कर लीजिए, ठीक है। तो आप हाफ एन आवर रखिए फ्रेशन अप होने के लिए, उसके बाद आप बैठेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पे टाइम टेबल से ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, कितने देर के लिए पढ़ना है वो आपको आइडिया देने वाली हूँ। लेट सपोज आप 4:30 से 8 o'clock ये ब्रैकेट आपने रखा, इस ब्रैकेट में आप अगर सबसे अच्छा फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं तो आप ये काम कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ और कीजिएगा। अगर आप फ्रेश फील कर रहे हैं यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, इस समय में आप नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, नए टॉपिक को पढ़िए, पढ़ के लिखिए। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को, जैसे कि हमें नया चैप्टर आपने स्टार्ट किया प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर आप इस टाइम पे इस ब्रैकेट में स्टार्ट कीजिए, उसे पढ़िए, उसके वीडियो लेक्चर्स को देखना है तो देखिए एंड नोट्स बनाइए। यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ को पूरा मेमोराइज ना करके आप उस चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट को निकालिए दिमाग में, उतारिए दिमाग में, वीडियो लेक्चर को देखिए, खुद को फुल कॉन्सेप्ट से भर लीजिए एंड उसका क्विक नोट बना लीजिए, लॉन्ग नोट बना लीजिए, नहीं तो फिर लॉन्ग नोट के लिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस ब्रैकेट में आपको आशीष बेटा नमस्ते, इस ब्रैकेट में आपको कोई सी नई चीज़ को स्टार्ट करना है, सो यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए, आपको पूरा वो टॉपिक समझ में आ गया है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप बैठे हैं 8 AM, लेट सपोज 8 AM तक आपको करना है, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए आधा, जो भी 8 AM तक आपको करना है। फिर आप 8 से 9:30 ब्रेक लग लीजिए, 8 से 9:30 में आप ब्रेकफास्ट कीजिए, बाकी घर का काम कीजिए, जो भी आपको करना है, फ्रेशन अप होना है या थोड़ा रेस्ट लेना, जो भी आप 8 से 9:30 के बीच में थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक घर में ही, या अगर आपके पास बालकनी है कहाँ पे भी आप 8 से 9:30 के बीच में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रेडी होके आप 9:30 के बाद बैठ सकते हैं, तो 9:30 से आप 1 o'clock तक बैठिए, 1 o'clock तक आप जो चीज़ को आपने स्टार्ट करके पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया था उसका आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट उस टॉपिक को कर लेना है, कंप्लीशन नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, एंड उस चीज़ को आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, उस चीज़ का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर आप कंप्लीट करने में आपको टाइम लग रहा है तो उस टॉपिक को जिस तरह से आपने टॉपिक का बनाया होगा, ये तो मैं आपको टाइम के हिसाब से बता रही हूँ, फिर टॉपिक के हिसाब से बताऊंगी आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है। आपने जो टॉपिक उस दिन रखा है उसको पूरा कंप्लीट करके इस टाइम पीरियड में ऐसा रख लेना है कि अब मुझे इसको वापस पढ़ना ना पड़े, मुझे सिर्फ रिविजन करना है। हो सकता है तो आप प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस को करके खुद को कॉन्फिडेंस डेवलप कर लीजिए कि यस मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है। आप 1 से लेके आप 3 या 3:30 तक आप फिर ब्रेक ले लीजिए, इस टाइम में आप खा सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी आप ये सब एंटरटेनमेंट ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप 3:30 से आप 7 o'clock शाम को, इस टाइम पे आपको रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? पिछले दिन का जो आपने पिछले दिन पढ़ा है वो चीज़ को रिवाइज करना है। तो आपको इस तरह से मेरा ये वाला आपको आइडिया सुनने से आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कैसे टाइम टेबल बनाते हैं या कैसे पढ़ते हैं। आप रिवीजन कर सकते हैं 3:30 से 7 PM के बीच में, क्या पढ़ सकते हैं रिवीजन में, जो आपने कल पढ़ा है या आपने जो पिछले वीक पढ़ा है, जो भी आपको ये रिवीजन सेशन रखना है, रिवीजन सेशन, ठीक है। 7 से आप 8 o'clock फिर आप रेस्ट ले सकते हैं, 7 से 8 आप खाना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, जो भी आपको करना है। 8 से 10 o'clock आपको दिन भर में जो पढ़ा है उसको क्विक नोट्स या
उसका जो लॉन्ग नोट्स है उसे चेक करना है, नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए 8 से 10 पूरा फ्लेज फुल फ्लेज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने जो भी दिन में पढ़ा है या जो भी आपको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करने के लिए रख लीजिए। सेक्शन ए के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं 8 से 10, इसके बाद में 10-10:30 के बीच में आप सो जाइए, सुबह फिर आप 4 या 4:30 में वेकअप कर सकते हैं, उठ सकते हैं। सो इस तरह से आपको दिन भर का टाइम निकालना है। कैसे? आपने सुबह 4:30 से 8 AM में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया, ब्रेक लिया, फिर 9:30 से 1 o'clock में उसको कंप्लीट किया, फुल नोट्स कंप्लीट कर दिया, पूरा अपने आप को उस चीज़ से पूरा भर लिया, पूरा कंप्लीट है आपका वो चीज़, कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका दिन आधा कंप्लीट होते होते आपका वो चीज़ हो चुका है। उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, फिर आप जो रिवीजन सेशन में बैठिए, जो रिवीजन सेशन है उसमें आपको पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है एक दिन पहले का या सुबह का, जो भी आपको रिवीजन में बैठना है, एंड फिर रिवीजन के बाद में डिनर के बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रात के टाइम में 8 से 10 o'clock के बीच में, क्योंकि उस टाइम में अगर प्रैक्टिस करके बैठेंगे आपका फुल रिवीजन एनर्जी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो दिन भर किया है वो मुझे अच्छे से याद है, कल मैंने जो पढ़ा था वो भी मुझे अच्छे से याद है, एंड मैंने आज जो पढ़ा या कल पढ़ा जो भी आप प्रैक्टिस सेशन में जो टॉपिक उठा रहे हैं उसमें मुझे अच्छे से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में या रिवीजन में कुछ छूट रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे रिवीजन करने के टाइम में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, प्रैक्टिस में मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही है, आप नेक्स्ट डे सुबह फिर से 4:30 में उस टॉपिक को उठा सकते हैं, फिर से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, फिर उसको पढ़ लेंगे, ये 9:30 से 1 o'clock के बीच में आप नया चीज़ स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपका दिन चलेगा, एंड इस तरह से दिन चलाने से इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अपने खुद को आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा। आप देख सकते हैं आप कितना घंटा पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे 4:30 से 8 आपने पढ़ लिया है, यहाँ पे 3 एंड हाफ आवर्स के आसपास, यहाँ देखिए यहाँ पे भी 3 एंड हाफ आवर्स के आसपास, फिर देखिए यहाँ पे आपने पढ़ लिया 3 एंड हाफ आवर्स के आसपास, फिर यहाँ पे 2, इस तरह से आप काफ़ी 9 से 10 आवर्स आप दिन भर में पढ़ लिए, काफ़ी है। आपको और ऐड करना है तो आप ये जो ब्रेक्स मैंने जो दिए हैं आप इसका ड्यूरेशन कम करके इसमें नए टॉपिक्स में और नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था आप अपने दिन का टाइम टेबल बनाने से पहले आपको क्या पढ़ना है वो भी आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सिलेबस आपको पहले निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, सिलेबस में सबसे पहले आपको ढूंढना है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको दूसरों के कुछ एडुकेटर्स के वीडियोस लेक्चर्स देख के पता चल जाएगा, मैंने भी लेक्चर्स दिए हैं इस टॉपिक पे, और भी बहुत सारी जगहों पे गाइडेंस है, एंड खुद भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, 5 साल के निकाल लीजिए, 5 साल के 10 पेपर आपको मिल जाएंगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको एक क्राइटेरिया एक फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको निकालना है इन विच टॉपिक्स यू आर वेल वर्स्ड, आपको कौन सा टॉपिक आता है, तो यू आर कम्फर्टेबल विद विच वॉट टॉपिक्स, कंफर्टेबल जिस टॉपिक के साथ है उसका एक लिस्ट बनाइए। देन आपको बनाना है ऐसे टॉपिक्स जो कि कंफर्टेबल तो नहीं है आप लेकिन हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूरा फुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक लिस्ट, अब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आप कंफर्टेबल किस में है एंड इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आप कंफर्टेबल किस में नहीं है। अब इन्हें जो आपने डिवाइड किया है, क्या क्या डिवाइड किया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का तो बांट दिया, कम्फर्टेबल एंड नॉट कम्फर्टेबल, जो नॉट कम्फर्टेबल्स है इसे आपका जो लिस्ट है 3 months का, लेट सपोज आपके पास प्लान है, नॉट कम्फर्टेबल आपको फर्स्ट 1.5 months में कंप्लीट करना है या 2 months में कंप्लीट कर लेना है, फिर कम्फर्टेबल्स को आपको 15 days में या 1 month में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से चलना है, फिर लास्ट में आपको रिवीजन के लिए रखना है। वैसे तो मैंने आपको पर डे रिवीजन के लिए बोला है निकालने के लिए टाइम, पर डे आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है, वीकेंड्स में आपको फिर बहुत समय तक आपको रिवाइज के लिए फिर टाइम निकालना है जिसमें आप पूरे वीक का रैप करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिखाया कि रिवीजन करने के लिए पिछले दिन का टॉपिक उठाइए, ऐसे आपको डेली बेसिस पर रिवीजन हो जाएगा, वीकेंड्स में आपका वीकेंड वाला रिवीजन हो जाएगा, फुल वीक का एक बार देख लेंगे, मंथ एंड पे एक रिवीजन का डेट निकालिए, मंथ एंड में 4 से 5 दिन निकालिए या 3 दिन या 2 दिन निकालिए जिसमें पूरे मंथ का आपको चेक करना है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको फिर रिवीजन करना है कितना रिवीजन हो गया, आज मैंने जो पढ़ा उसे कल मैं दिन में, मैंने आपको टाइम बताया कब, 3:30 से 7 के बीच में, 3:30 से 7 o'clock के बीच में
आपको रिवीजन करना है। तो आज जो मैंने पढ़ा उसे कल रिवाइज कर लिया, कल पढ़ा परसों रिवाइज कर लिया, पूरे वीक का सैटरडे संडे को किसी दिन रिवाइज कर लिया, पूरे मंथ का मंथ एंड पे रिवाइज कर लिया, तीन रिवीजन सेशन हो गया। अब उसके बाद में लास्ट में आपका प्रिपरेशन जब कंप्लीट हो जाए एट द एंड आप एक रिवीजन सेशन रखिए जिसमें आपको क्विक नोट्स और लॉन्ग नोट्स खाली देखना है। लेकिन ये जो डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं आज का कल, थोड़ा बुक्स भी देखना पड़ेगा। वीकेंड का बुक्स देखिए, मंथ एंड पे खाली नोट्स देखिए, सेशन के एंड पे खाली नोट्स देखिए। चार बार रिवीजन आपका हो गया, कभी भूल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। प्रैक्टिस सेशंस डेली बेसिस पे आप रख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो गलत हो गया आपसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आपने मार्क करके रखा है, उसे आप मंथ एंड पे या वीकेंड पे एक बार देख लेंगे। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, एक बार देख लेंगे जो आपसे गलत हो गया था। नए नए क्वेश्चंस अरेंज कीजिए, नए बुक्स लाइए, आपको डेली बेसिस पर ही प्रैक्टिस करना है। जो कल पढ़ा उसे प्रैक्टिस कीजिए, जो ये आज पढ़ा उसे ही प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग से टाइम निकालिए, सेक्शन ए के लिए अलग से टाइम निकालिए, उस समय में प्रैक्टिस कीजिए। वीकेंड पे उन्हीं टॉपिक्स का, हार्ड टॉपिक्स, हार्ड क्वेश्चंस का पाँच पाँच क्वेश्चन हर टॉपिक का रिवाइज प्रैक्टिस कीजिए। मंथ एंड पे फिर प्रैक्टिस कीजिए, और सेशन के एंड पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सेशन के एंड पे जो प्रैक्टिस किया है उन प्रैक्टिस से जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के सेशन के बाद भी आपको नोट्स बनाना चाहिए, प्रैक्टिस के सेशन के बाद भी आपको नोट्स बनाना चाहिए। आपसे क्या गलती हो गई वो नोट, उस सेंटेंस को लिख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया उसको लिख लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए, उसे आपको रिवाइज करके जाना है सेशन के एंड पे। तो प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करना है, वीकेंड पे करना है, मंथ एंड पे करना है। प्रैक्टिस तीन बार करना है, रिवीजन चार बार करना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाना है, कंफर्टेबल टॉपिक्स का लिस्ट बनाना है, नॉट सो कंफर्टेबल टॉपिक्स का लिस्ट बनाना है। इसके बाद डेली बेसिस पे क्या टाइम टेबल बनाना है अगर आप सुबह उठते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो देरी से उठते हैं और देरी तक सोते हैं उनका बात करते हैं। लेट सपोज आप डेली 3 बजे तक पढ़ते हैं, शाम रात में 3 AM तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है, 3 AM तक पढ़ते हैं लेट सपोज, एंड यू स्लीप फॉर 6 आवर्स, तो आप 9 या 10 के आसपास में उठ रहे हैं, 10:30 तक हम डे स्टार्ट कर देते हैं। तो 10:30 से लेके लेट सपोज 2 PM तक न्यू टॉपिक, ठीक है, कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कीजिए, अच्छे से उसका वीडियो लेक्चर देखिए, पढ़ाई कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाने, आधा से ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। 2 से 4:30 ब्रेक, खाएंगे, रेस्ट करेंगे। 4:30 से 7 PM उसी न्यू टॉपिक को आगे बढ़ाना है या नया कुछ ऐड करना है, ठीक है। 7 से 8 PM ब्रेक, चाय नाश्ता, थोड़ा वॉकिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी बीच में आप डिनर के लिए रख सकते हैं टाइम, अगर इस टाइम पे डिनर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आधा घंटा का ही ब्रेक लीजिए, आधा घंटा फिर डिनर के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। 8 से आप 11 PM तक रख सकते हैं, 8 से 11 PM में रिवीजन सेशन। आपको रिवीजन क्या करना है, पिछले दिन का रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, ये डेली का होगा टाइम टेबल, आपको वीकेंड का अलग टाइम टेबल बनाना है, सैटरडे संडे का आप अलग बनाइए, मंथ एंड का आपको अलग बनाना है, 3 दिन आपको अलग तरह से बिहेव करना है मंथ एंड पे। सेशन के एंड पे तो 7-10 दिन पहले आपको पढ़ाई बंद ही कर देनी है और सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज, फील गुड, अच्छा फील कीजिए, अच्छा खुद के दिमाग को किस तरह से अच्छा रखना है वो सोचना है, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद 8 से 11 PM पे रिवीजन, ठीक है। 11 से 11:30 फिर ब्रेक, फिर आप 11:30 से 3 PM में फिर आप कुछ प्रैक्टिस एंड कोई सा न्यू टॉपिक, इस तरह से आप रखिए। ये आपका हो गया 3 से 3:30 के बीच में आप सो जाएंगे, सुबह 10:30 में आप उठेंगे। ये आपका अगर टाइम टेबल है तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर रात के 12 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया है, गैप दे दिया है, बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट नहीं देना था, बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको आइडिया देना था कि आप कैसे खुद के दिन को ब्रेक कर सकते हैं। न्यू टॉपिक, रिविजन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, सेक्शन ए, ये 4 चीज़ों में आपको दिन को डिवाइड करना है। टाइम स्लॉट आप अपना सेट कीजिए, ब्रेक का स्लॉट आप अपना सेट कीजिए। क्या क्या करना है आपको, न्यू टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। मैं पहले बताती हूँ, पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद CSI नेट में जो पार्ट टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस ऑफिशियल साइट में कहाँ मिलेगा मैम, JRF के लिए कितनी सीट होती है। ओके बेटा, जनरल एप्टीट्यूड का कोई एज सच सिलेबस ऐसा नहीं है कि होगा,
आप देख सकते हैं वेबसाइट में मिल जाएगा। पार्ट ए में आता क्या है, आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस, आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप टाइम एंड डिस्टेंस, देन नॉर्मल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, देन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप एक बार सिलेबस चेक कर सकते हैं। नॉर्मल जो ग्राफ के क्वेश्चंस, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, ट्रेन और स्टेशन वाला क्वेश्चन, ट्रेन स्टेशन का आता है, फाइंड द एज, देन डेट किस डे में पड़ेगा, कमिंग डेट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाथफाइंडर का सेक्शन ए का एक अलग सा आता है, आरएस अग्रवाल का भी एक आता है, आप वो भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेक्शन ए के लिए डेली आपको हाफ एन आवर रखना है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, डेली आप हाफ एन आवर रख दीजिए। सो बेसिकली दिन को आपको कितने में डिवाइड करना है, न्यू टॉपिक आपको दो बार रखना है। पहली बार में लेक्चर्स देखने हैं, बुक को देखना है, फेमिलियर होना है उस टॉपिक से। सेकेंड टाइम में नोट्स बनाना है, ये सारे काम करने, सेकेंड टाइम में उसको दिमाग में बिठाना है। दो सेशन आपको रखने हैं न्यू टॉपिक के लिए, ब्रेक ले लेके, ताकि आपका दिमाग उसमें ना सैचुरेट ना हो जाए। नेक्स्ट आपको रिवीजन सेशन रखना है पिछले दिन का। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन रखना है, भले से एक घंटा से ही। नेक्स्ट आपको सेक्शन ए का सेशन रखना है। इसके अलावा अपने आप को ठीक रखने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, एटलीस्ट 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, आप आराम से रख सकते हैं। मेडिटेशन करना है 10 मिनट्स, वॉक करना है हाफ एन आवर, इतना रखिए। रेस्ट आप 1 से 1.5 आवर कर सकते हैं दिन में। रात में आपको 6 से 6:30, 6.5 घंटे सोने हैं आपको रात में। इसके अलावा आप अपने दिन भर में ब्रेक ले सकते हैं 2 से 2.5 घंटे का ब्रेक। इस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप 6 घंटा सो रहे हैं दिन रात में, 1 घंटा आप दिन में सो रहे हैं, 7 घंटा, 8-9 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा, 10 आवर भी आप अगर यहाँ वहाँ कर दीजिए तो भी आपके पास 14 आवर्स बचते हैं दिन भर में। ये 14 आवर को आप प्रोडक्टिवली इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है, न्यू टॉपिक को 2 बार उठाना है, एंड न्यू टॉपिक का आप अलग से टाइम टेबल बनाइए। आया समझ में आपको? कि मैंने जैसे बताया कि सिलेबस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो आपको सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं जो आपको पढ़ना है, मोस्ट कंफर्टेबल, नॉट सो कंफर्टेबल, इतना ही डिवाइड करना है। इसे फिर डे वाइज आपको डिवाइड कर देना है, किस दिन कितना पढ़ना है, कितने समय है मेरे पास। नॉट सो कंफर्टेबल को पहले करना है, मोस्ट कंफर्टेबल को बाद में करना है, एंड डेली बेसिस पे नॉट सो कंफर्टेबल और कंफर्टेबल में से क्या निकाल के पढ़ना है वो आपके पास होना चाहिए। न्यू टॉपिक के लिए 2 सेशन रखिए, 4-4 घंटे का या 3-3 घंटे का, 4 आवर का या 3 आवर्स का, आराम से हो जाएगा। रिविजन 3 आवर्स मैक्सिमम, प्रैक्टिस 1 से 1.5 आवर, सेक्शन ए हाफ आवर, बस इतना ही तो काम है। यही है आपका एक क्रिएटिव या इंटेलिजेंट टाइम टेबल सेटिंग। यह आपका टाइम टेबल सेट किया आपने, इस हिसाब से आपका ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी। इस बात के लिए खुद को ब्लेम करके, खुद गिल्टी फील करके, वो आपकी स्पीड को रोकने से अच्छा, जो आपने बनाया है बहुत अच्छी बात है, उसी को किस तरह से और बेटर कर सकते हैं, आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं ये 4 आवर्स में। ये 4 आवर्स में नींद लग रही है, वॉक करने लग जाइए, हो सकता है बैठे बैठे नींद आने लग जाए, टेबल और चेयर पे ही बैठिए, कभी बेड पे मत बैठिए, वॉक पे लग जाइए, गर्म पानी पीना स्टार्ट कीजिए, वार्म वाटर। अगर आपको नींद लग रही है ना, उठिए, थोड़ा सा पानी को हल्का सा वार्म कर लीजिए, एक ग्लास में रखिए, बैठिए, सिप बाय सिप पीजिए, मुँह धोइए, 2 बार चक्कर लगा लीजिए घर के, कौन क्या कर रहा है देख लीजिए घर में, अगर अकेले रहते हैं तो ऐसे रूम में चक्कर लगा लीजिए, आके फिर बैठ जाइए, यू विल स्टार्ट फील बेटर। इसके बाद भी नींद नहीं खत्म हो रही है, डीप ब्रीथ 10-11 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड काउंट कीजिए, 1 उल्टा 10 9 8 7 6 5, इस तरह से। नहीं तो मुंह से सांस लीजिए, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िए, नहीं तो मुंह से सांस लीजिए मुंह से छोड़िए, इस तरह से कुछ इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए कि बॉडी में फिर से एनर्जी का फ्लो हो जाए और आपको जो नींद आ रही है उससे आपको बाहर निकलिए। इसके लिए टी एंड कॉफ़ी का ध्यान में जाने से बेटर है कि एक्सरसाइज, वार्म वाटर, जो मैंने बोला ये वार्म वाटर बहुत इफेक्टिव होता है, या गर्म कर लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए सिप बाय सिप बैठ के, काफ़ी अच्छा लगेगा, 15-10 मिनट उसमें बिता दीजिए, आके फिर पढ़ाई कीजिए। सो न्यू टॉपिक के लिए आपको 2 सेशन रखने हैं, अपने टाइम टेबल में स्लॉट अपना निकाल लीजिए, मैंने स्लॉट्स का एग्जांपल दे दिया है। रिवीजन के लिए 3 आवर्स के आसपास रखिए, प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 आवर रखिए, एंड सेक्शन ए के लिए हाफ एन आवर, बस इतना ही। न्यू टॉपिक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पैटर्न बताया है, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं,
बुक खोल सकते हैं, बुक को वीडियो लेक्चर के हिसाब से एक बार रीडिंग करके अंडरलाइन रख सक अंडरलाइन करके जहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं उसके बगल में लिख सकते हैं कुछ छोटा मोटा चीज़ सब, नहीं तो एक कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। कॉपी में लिखने का मतलब ये नहीं पूरा बुक उतार दिया, जो आप यहाँ लिखते हैं उसी को यहाँ पे लिख दीजिए बस। मैं ऐसे करती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, साइड में लिखती जाती हूँ पेंसिल से, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा लिखना होता है पेंसिल का तो मैं कॉपी खोलती हूँ, पेज नंबर लिख लेती हूँ, चैप्टर का नाम लिख लेती हूँ, उस पेज नंबर में मैं क्या लिखने वाली थी, बहुत सारा अगर लिखना है तो उस डायरी में उस पेज में लिख देती हूँ। मैं बेसिकली शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनाती हूँ या क्विक नोट्स, जैसा कि मैंने आज शाम को 7 बजे पढ़ाया DNA रिपेयर, उसमें मैंने बताया कि वाटर की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में। साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में, एडेनाइन कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजैंथिन में, एंड ग्वानिन कन्वर्ट हो जाता है जैंथिन में। तो ये मैं इस तरह से लिखूंगी वाटर, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूंगी CuAH and GX, ए प्यूरिनिक साइट, वाटर की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। देन लिख दूंगी 5-methylcytosine कन्वर्टेड टू थाइमिन, इतना लिख दूंगी, वाटर की वजह से इतनी ही प्रॉब्लम्स आती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, थाइमिन डाइमर साइटोसिन थाइमिन एडक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स या क्विक नोट्स। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऑक्सीडेशन दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्वानिन टू ऑक्सो जी एडक्ट, इतना लिख दूंगी बस। विच पेयर्स विथ थाइमिन, विच पेयर्स विथ एडेनिन, हाँ विच पेयर्स विथ एडेनिन। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, कन्वर्ट फॉर्मेशन ऑफ O6-methylguanine पेयर्स विथ एडेनिन, ये लिख दूंगी। 5-bromo-uracil बेस एनालॉग, इट रिप्लेसेस वॉट, वो रिप्लेस करने की वजह से वो किसके साथ पेयर करेगा, इस तरह से शॉर्ट नोट्स को, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स या क्विक नोट्स। एंड इस तरह से आप अपने टाइम स्लॉट बनाइए, टाइम स्लॉट बना के मैंने आपको पहले ही बोला न्यू टॉपिक के लिए 2 सेशन, रिविजन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, सेक्शन ए सेशन एंड रिविजन, हाँ इतना सेशन होना चाहिए। तो न्यू टॉपिक 2 सेशन, रिविजन 1 सेशन, सेक्शन ए 1 सेशन, देन प्रैक्टिस 1 सेशन, इतना काफ़ी है आपके दिन भर को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ और खुद को अच्छा रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने बोल दिया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अच्छा खाइए, टाइम पे सोइए, 6 घंटा से 6.5 घंटा, 7 घंटा सोइए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, नींद अगर आ रही है तो अपने स्लीपिंग टाइम को बढ़ा दीजिए, 7 घंटा बहुत काफ़ी है दिन में, फिर 1 घंटा रेस्ट कीजिए या 1/2 आवर रेस्ट कीजिए। रात में अगर आपको 7 आवर्स की स्लीप चाहिए ही, दिन में 1 घंटा या 1/2 घंटा का रेस्ट ले सकते हैं, उस हिसाब से दिन और रात के रेस्ट के टाइम को मेंटेन कीजिए। अगर आपको ज़्यादा ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं है तो ब्रेक्स के टाइम को आप पढ़ाई में लगा के स्लीपिंग टाइम को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सिलेबस को कैसे ग्रुप में डिवाइड करना है वो मैंने बता दिया है, कितने बार रिविजन करना है वो भी मैंने बता दिया है, डेली बेसिस पे, वीकेंड पे, मंथ एंड पे, सेशन एंड पे, 4 रिविजन के सेशन होने चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, वीकेंड पे, मंथ एंड पे, बस इतना ही। लास्ट में आपको प्रैक्टिस से जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाला है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को ठीक से प्लान कर सकते हैं। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन जॉइन टू क्लियर CSI नेट एंट्रेंस एग्जाम। माई कोड इज ShellK10 एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू टीचिंग ऑन यूट्यूब विच आई टीच एट 7 PM, 7 PM पर रेगुलरली मैं क्लास लेती हूँ। DNA का स्ट्रक्चर, RNA स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, ये सारी चीज़ें खत्म की हैं। ऐप पे मैंने बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स खत्म किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ टीचिंग यूट्यूब पे एंड मैं आपको दूसरे एडुकेटर्स के साथ में कोर्सेज पढ़ा सकूँ प्लस ये आइकॉनिक की क्लासेस में, सो यू हैव टू बाई सब्सक्रिप्शन विच इज़ प्लस एन आइकॉनिक बाई यूजिंग माई कोड ShellK10। लाइव क्लासेस हैं दोनों में ही, प्लस आइकॉनिक में टेस्ट और क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, तो स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, सो आइकॉनिक इज मच बेटर देन प्लस। एंड अगर आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करेंगे तो ही आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देख पाएंगे। मैंने स्पेशल क्लासेस में एनिमल बिहेवियर खत्म कराया है, नर्वस सिस्टम खत्म नहीं, बहुत सारा पढ़ा दिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ऐसे बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स स्पेशल क्लासेस में हुए हैं। आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा ShellK10 एंड ये क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। अगर आपको यूट्यूब के ऐप्स फ्री क्लासेस और ऐप की फ्री क्लासेस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, तो मैं आपको दूसरे एडुकेटर्स के साथ में पढ़ा पाऊँगी। देन यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं, ओके मैम MSc के साथ कितना टाइम दे और कॉलेज भी दे पर डे जाना होता है,
सी एस आई नेट लाइफ साइंस के लिए? ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं, 3 मंथ्स का है 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 1643, 12 मंथ्स का है 1027 एंड 24 मंथ्स का है 708। आइकॉनिक का है 6 मंथ्स का 3000, 12 मंथ्स का है 2167 एंड 12 मंथ्स का है 1875। सो ये है चार्जेस। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, 10% ऑफ मिलेगा एंड आई विल बी योर गाइड। ओके, एमएससी के लिए बेटा आप किस स्टेज में है ये मैटर करता है, आपके पास कितना नॉलेज है पहले से ये मैटर करता है। मैं इमेजिन करती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप एमएससी में थर्ड सेम में हैं, आपके पास 6 मंथ्स हैं, सेकेंड सेम में हैं, आपके पास 1 ईयर के आसपास है, इस हिसाब से आप अपने आप को निकालिए। जो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बताया है वो 6 मंथ्स के लिए है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप पर डे न्यू टॉपिक के लिए, मतलब आपके पास टाइम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी मैंने बताया है न्यू टॉपिक के लिए 2 दिन, दो सेशन, यानी मेरे हिसाब से जो भी मैंने टाइम टेबल बताया है 14 आवर्स के आसपास, 13 से 14 आवर्स के आसपास आपको पढ़ना है डेली। ठीक है, इतना नहीं, आप 12 आवर्स रखिए, 12 आवर्स के आसपास अगर डेली पढ़ेंगे, 6 मंथ्स का टाइम टेबल मैंने आपको दिया। अगर आप एमएससी में है, डेली बेसिस पे कॉलेज जाना है, कॉलेज का काम करना है एंड सीएसआई नेट के लिए पढ़ना है, उस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने सेमेस्टर के लिए, वो सारी चीज़ों को आप हायर लेवल के लेके जाइए, वहाँ पर मत रुकिए, उस चीज़ को स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, लेक्चर नोट्स नोट्स बनाइए एंड उसे आप रिवीजन भी रखिए, प्रैक्टिस रखिए। जो भी मैंने मैकेनिज्म बताया है वो आप एमएससी के सिलेबस के साथ करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, नए टॉपिक इनकॉर्पोरेट करने से अच्छा एमएससी में क्लासेस में जो चल रहे हैं, जो सेमेस्टर में आने वाले हैं, उसे हायर लेवल पे लेके जाइए। सिर्फ सेमेस्टर के लिए मत पढ़िए, सीएसआई नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेमेस्टर में तो रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, डायहेड्रल एंगल पे तो नहीं आने वाला है, आपको लॉन्ग नोट्स लिखने के लिए आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, 1 वर्ड आ सकता है, लेकिन सीएसआई नेट में तो अलग लेवल आएगा, उस लेवल पे क्यों ना हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को ले जाएं। तो एमएससी में फर्स्ट है, आप हर टॉपिक को प्रोटीन सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत सारा टाइम है बेटा आपके पास, आप सारे टॉपिक्स को सीएसआई नेट के लेवल के लिए लेके जाइए। ज़्यादा टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, बहुत टाइम है आपके पास, सिर्फ आप अपने पढ़ाई को उस लेवल पे ले जाइए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अपने सिलेबस को, जैसे अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, उसे सीएसआई नेट के लिए लेके जाइए एंड कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आप सीएसआई नेट का सिलेबस चेक कर लीजिए, जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है, जो यूनिट सबसे बढ़िया लग रहा है, उस एक यूनिट को सेकेंड सेम के टॉपिक्स के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि सेमेस्टर में आप पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए ना जाके आप उन टॉपिक्स के लिए सीएसआई नेट में जा रहे हैं, ये सोच के आप प्रिपेयर कीजिए। डेली बेसिस पे अगर आपको अलग से निकालने का ही मन है, सेक्शन ए के लिए निकालना शुरू कीजिए डेली बेसिस पे, हाफ एन आवर। ठीक है, एंड सिर्फ सीएसआई नेट के लिए आप 2 आवर्स निकाल लीजिए डेली बेसिस पे। इसमें आप 130 आप न्यू टॉपिक पढ़िए एंड हाफ एन आवर रिवाइज कीजिए, इतना काफ़ी है डेली बेसिस पे। वीकेंड पे इन चीज़ों का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो डेली बेसिस पे आप अगर 2.5 आवर निकाल लिए, काफ़ी है। एमएससी के टॉपिक्स को सीएसआई नेट के लिए लेके जाना, ये भी ध्यान रखना है, ये 2.5 आवर में आप नया कुछ पढ़िए, एमएससी के टॉपिक को सीएसआई नेट के लिए लेके जाइए, 1.5 आवर्स में आप न्यू कुछ सिलेबस में से वो पढ़िए जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है एंड हाफ एन आवर सेक्शन ए के लिए रखिए। वीकेंड डेली नहीं, हर दो तीन दिन पे सेक्शन ए के लिए हाफ एन आवर रखना काफ़ी है, नहीं तो अदरवाइज सेक्शन ए के टाइम को आप दूसरे नए टॉपिक के लिए दे सकते हैं। वीकेंड पे, क्योंकि आपके पास संडे होगा, आपके पास छुट्टी होगी, जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कर सकते हैं वीकेंड पे, मंथ एंड पे, उन चीज़ों को छोड़िए मत, रिवीजन कंटिन्यू रखना है। आप अगर एमएससी में है तो रिवीजन वाला चीज़ को आपको पकड़ना है ज़्यादा, एग्ज़ाम तुरंत तो नहीं होगा तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है ज़्यादा, ज़्यादा रिवीजन के सेशंस को रखिए, वीकेंड्स पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मंथ एंड पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस का एक एक टुकड़ा ख़त्म करते रहिए। एमएससी के सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए सारे, उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए सीएसआई नेट का, वो सेमेस्टर के हिसाब से चलता रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसे आप ये डेली बेसिस पे 2.30 से 3 आवर्स आपको रखना है डेली बेसिस पे। एंड सेमेस्टर के लिए आप अपने एग्जाम के लिए 3 घंटा रख सकते हैं, तो डेली बेसिस पे आप अगर 5 से 6 आवर्स पढ़ लिए एमएससी में रहने के बाद में,
सेमेस्टर के लिए भी काफ़ी है, सेल्स एंड नेट के लिए भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। आप अपने नॉर्मल बच्चों से जो आपके आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे बढ़ जाएंगे। आप डेली बेसिस पे 5 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए, 6 घंटा छोड़ दीजिए, 5 घंटा छोड़ दीजिए, आप 4 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए डेली बेसिस पे हर दिन, इससे कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी है। फर्स्ट सेमेस्टर से भी अगर आप 4 घंटा डेली पढ़ने लग गए ना, बहुत है। वीकेंड पे संडे को 6 घंटा उसको कर दीजिए, काफ़ी है इतना। लेकिन यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप MSc में रहने के बाद भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो मुझसे बोल सकता है। कल शाम को 9 बजे हम BEd के बारे में बात करेंगे कि CSI NET के अलावा आप और क्या ऑप्शन रख सकते हैं। CSI NET इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो आप कैसे MSc के बाद यहाँ आना भटक के कैसे तुरंत जॉब में लग सकते हैं, तो सिर्फ BEd एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, और भी कुछ हम बात करेंगे अलग ऑप्शन। सो कल 9 बजे हम इस बारे में बात करेंगे। कल शाम को 7 बजे हम बेस एक्सीजन रिपेयर पढ़ेंगे, DNA रिपेयर। ऐप पे वेडनेसडे को मेरी स्पेशल क्लासेस होगी, आप शेल K10 यूज़ कीजिए एंड उन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। एंड अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे, मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी यूट्यूब पे पढ़ाना आप लोगों को फ्री में, ऐप में फ्री में एंड पेड क्लासेस प्लस एंड आइकॉनिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर, अदरवाइज आई विल पुट एन एंड टू द सेशन। इस सेशन में हमने MSc में आप अगर हैं 4 से 5 आवर टारगेट रखिए डेली बेसिस पे। अगर आप ड्रॉप करके या 6 मंथ्स का टाइम देके खुद को पढ़ रहे हैं तो आपके पास टारगेट होना चाहिए 12 से 14 आवर्स। टाइम टेबल मैंने बता दिया है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है। पहले के लेक्चर्स में भी मैंने कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को डिवाइड करना है बात की है, आप वो सब भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप किसी को और कुछ नहीं पूछना है। कल बात करेंगे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शन आप रख सकते हैं, ठीक है।